हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टू बॉक्स ऑफिस। बात करने वाले हैं गाराजी इस मूवी का फर्स्ट डायरेक्शन को लेकर, बात करेंगे टाइगर नागेश्वर राव इस मूवी का 23 सलेक्शन को लेकर, बात करेंगे गोस्ट इस मूवी का 23 सलेक्शन को लेकर। बता दो टाइगर नागेश्वर राव अच्छी कलेक्शन किया, मूवी क्लीन हिट है और मूवी मैसिव ब्लॉकबस्टर की तरफ है। रवि तेजस सर का ये फिल्म 100 करोड़ प्लस बिजनेस का करने का पॉसिबिलिटी रखता है। गाराजी को पॉजिटिव रिव्यू मिला, मूवी कर्नाटका से पॉजिटिव कलेक्शन करे यही एक्सपेक्टेशन है। मूवी का ओवरसीज कलेक्शन का कोई अपडेट नहीं आया, जहां पर गोस्ट आप लोग जानते हैं शिवराज कुमार सर का है। फिल्म अच्छी कलेक्शन करे यही एक्सपेक्टेशन है। बात करेंगे तीन वाले शुक्ल एक कर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और अगर चैनल अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना टू बॉक्स ऑफिस चैनल को। पर बात करें गोस्ट को लेकर, इसमें का बजट है 40 करोड़ रुपीज। लीड रोल में है शिवराज कुमार सर, सबने 23 जस्ट कंप्लीट का है। गोस्ट पूरी तरह से ब्लॉकबस्टर है। आप लोग जानते हैं शिवराज कुमार सर का इस मूवी का कैथेजरिकल वैल्यू था सिर्फ 15 करोड़ रुपीज, मतलब मूवी वॉलेट मार्केट में 30 करोड़ प्लस बिजनेस करने के बाद ही मूवी क्लीन हिट बन चुका था। और मूवी अब जो कलेक्शन किया वो मैसिव ब्लॉकबस्टर के तरफ है। अपने 23 जस में इस मूवी ने कर्नाटका सेशन किया 15 लैक्स, ओवरसीज मार्केट सेशन किया 8 लैक्स, वाले मार्केट सेशन किया 30 लैक्स, टोटल से गोस्ट ने 52 करोड़ 30 लैक्स। आपने अभी तक गोस्ट नहीं देखा, देख लेना शिवराज कुमार सर का गोस्ट कैसा लगा। मूवी लाइफ टाइम में क्या 70 करोड़ प्लस बिजनेस कर पाएगा, कौन बता सकते हैं। अब बात करें टाइगर नागेश्वर राव को लेकर, इसमें का बजट है 50 करोड़ रुपीस। लीड रोल में है मास महाराजा रवि तेजस सर, सबने 23 जस कंप्लीट का है। टाइगर नागेश्वर राव पूरी तरह से क्लीन हिट प्लस मैसिव ब्लॉकबस्टर। आप बता दो मास महाराजा रवि तेजस सर, जिनको बहुत ही अच्छे एक्टर कहा जाता है, जिनका फैन बेस कर्नाटका में सबसे ज्यादा है, तेलुगु इंडस्ट्री में अच्छे फैन बेस है। आप लोग जानते हैं वो नॉर्थ इंडिया में भी बहुत फेमस है। ग्रैंड लेवल क्रेज, मास ऑडियंस के सपोर्ट, फेमस ऑडियंस के सपोर्ट हमेशा से टाइगर नागेश्वर राव ने दिया है, जिसके वजह से भी मूवी अच्छी कलेक्शन कर पाए। अपने 22 डेज में आंध्र प्रदेश तेलंगाना सेशन के 20 लैक्स, वर्ष मार्केट सेशन के 8 लैक्स, वॉलेट मार्केट सेशन के 35 लैक्स, उसने 77 करोड़ 35 लैक्स। आपने अभी तक टाइगर नागेश्वर राव नहीं देखा, देख लेना मास महाराजा रवि तेजस सर का ये फिल्म कैसा लगा। मूवी लाइफ टाइम में कितना पैसा कमाएगा, कौन बता सकते हैं। अब बात करें गाराजी को लेकर, इसमें का बजट 8 करोड़ रुपीज। लीड रोल में है यश सूर्या सर, आप लोग जानते हैं यश सूर्या सर का गाराजी, जिसका बिग प्रमोशन किया गया है दर्शन सर को देखकर। आप लोग जानते हैं इस मूवी में चैलेंजिंग स्टार दर्शन सर के ही पोस्टर में सबसे ज्यादा फोटो दिया है। आप लोग बता दो मूवी का प्रमोशन पूरी तरह से चैलेंजिंग स्टार दर्शन सर से किया गया है, जिसके वजह से भी मूवी बॉक्स ऑफिस में मेगा ब्लॉकबस्टर होने का पॉसिबिलिटी है। लो बजट वाली ये फिल्म लाइफ टाइम में अगर 40 करोड़ प्लस बिजनेस भी करे, मूवी मेगा ब्लॉकबस्टर बन जाएगा। अपने फर्स्ट डे में इस मूवी ने कर्नाटका सेशन किया 1.80 लैक्स। मूवी का ओवरसीज मार्केट का कोई अपडेट नहीं आया, एक्सपेक्ट था कि मूवी ओवरसीज मार्केट में 50 या 70 लाख प्लस बिजनेस करेगा, लेकिन ओवरसीज मार्केट का कोई अपडेट नहीं आया। लेकिन मूवी क्लीन हिट हो पाएगा या पक्का है। आपने अभी तक गाराजी, टाइगर नागेश्वर राव, गोस्ट नहीं देखा, देख लेना कौन बता सकते हैं सारे मूवीज में सबसे अच्छी सबसे बढ़िया इंडियन फिल्म कौन सा है। धन्यवाद।